हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको गलता लोहा शेखर जोशी के द्वारा लिखित कहानी के प्रश्नोत्तर बताऊंगी। उससे पहले मैं बिल्कुल ही चार पांच लाइन में इस कहानी का सार आपको बता रही हूं। शेखर जोशी ने कहानी लिखी है। इसमें मोहन के पिता हैं वंशीधर, जो पुरोहित हैं, और वो वंशीधर को पढ़ने के लिए लखनऊ भेज देते हैं। धनराम एक दूसरा पात्र है जिसे तेरह का पहाड़ा याद नहीं होता है और वह लोहार है। मोहन को लखनऊ में ज़्यादा काम लिया जाता है, उसे नौकर के रूप में काम लिया जाता है और उसकी बेरोजगारी के कारण वह पुनः गांव लौट करके आ जाता है। और मोहन धनराम के यहाँ जाता है और स्कूल की बातें करते हैं और इस प्रकार से वो स्कूल की यादों में खो जाते हैं। धनराम अपने काम में लगता रहता है लेकिन मोहन उसकी लोहे की छड़ को मोड़ करके दिखा देता है, जो काम उसने अपनी शिक्षा के दौरान लखनऊ में सीखा था। आमतौर पर ऊंची जात वाले लोग लोहार के काम को नीचा समझते हैं। इस कहानी में यही बताया गया है कि किस प्रकार से मोहन अपनी कार्यकुशलता दिखाता है लोहार के काम में और सारे जातिगत भेदभाव भूलकर वह अपना लोहा मोड़ने का काम, उसकी कारीगरी दिखाता है और छल्ले की गोलाई को जांचता है और उसकी आंखों में सृजन की चमक आ जाती है। पूरी कहानी में यही बताया गया है कि किस प्रकार से मास्टर जी लोहार के बेटे को मारते थे और उसी से छड़ी मंगवाते थे। तो हम इसके प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। इस वीडियो की व्याख्या देखने के लिए आप मेरा चैनल पर दूसरा वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों और विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। धनराम लोहार जो है उसके दिमाग में गणित नहीं बैठता था। मास्टर त्रिलोक सिंह उसे तेरह का पहाड़ा पढ़ाते पढ़ाते थक जाते थे और संटी से पिटाई करते थे। संटी होती है लकड़ी की एक पतली वाली डंडी, जो उसी से मंगवाते थे। उधर धनराम के पिता गंगाराम उसे लोहार का काम सिखा रहे थे। लोहार के काम में उसे सान चढ़ाना, धोकनी फूंकना और हथौड़ा चलाना। सान चढ़ाना होता है लोहार की मशीन होती है जिससे आग में हवा जाती है। तो धोकनी फूंकना होता है, एक पाइप से आग को जलाने के लिए धोकनी फूंकी जाती है, और हथौड़ा चलाना। इस प्रकार से मास्टर जी उसे गलती पर छड़ी से पीटते थे। इस प्रकार दोनों आप दो चीज़ देखेंगे कि धनराम एक साथ दो दो चीज़ें सीख रहा था। वह पढ़ाई के साथ साथ लोहार का काम भी सीख रहा था। दूसरा प्रश्न आता है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता था। देखिए, धनराम यहाँ पर नीची जाति का है और मोहन ऊंची जाति का है। मोहन कक्षा में सबसे होशियार था, मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर भी बना दिया था और मास्टर जी कहते थे कि एक दिन यह बड़ा होकर के स्कूल का नाम लिख रोशन करेगा। इन सब बातों के कारण धनराम कभी भी मोहन से कंपटीशन करके नहीं चलता था। प्रश्न आता है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। धनराम को मोहन जब हथौड़ा चलाता है और लोहे की छड़ मोड़ करके दिखा देता है तो उससे आश्चर्य होता है कि ऊंची जाति का होने पर भी इसने लोहे की छड़ को इतनी आसानी से कैसे मोड़ दिया। लेकिन मोहन के मन में जाति पाति है ही नहीं और वह जाति के भेद को भुला करके इस कर्म को स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। मोहन गांव से शहर में पढ़ने आया था लेकिन जो मोहन को लेकर के आए थे रमेश बाबू, वो उसे नौकर की तरह व्यवहार करते थे और यहाँ तक कि घर की महिलाओं के काम भी उसे ही करने पड़ते थे। इसलिए यह उसके जीवन में एक नया अध्याय था। प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों। मास्टर
धनराम को ये शब्द कहते थे कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। लेखक ने ये इस तरह के व्यंग्यात्मक शब्द जो मास्टर जी उसे कहते थे, मास्टर त्रिलोक सिंह धनराम को कहते थे, वो जबान के चाबुक बताया है। जबान यानी जीभ से मारना। हम किसी को जब बोली से मारते हैं तो उसे जबान का चाबुक कहा जाता है। चाबुक होता है जो अपराधियों को पीटने के लिए काम में लिया जाता है, जिसके आगे चमड़े का एक पतली रस्सी तरह की तरह का जुड़ा हुआ होता है, जिसे चाबुक कहा जाता है, और इसकी चोट बहुत ज़्यादा लगती है। मास्टर जी यहाँ पर चाबुक की बजाय उसे जबान से मारते थे और साथ ही उसे संटी से भी पीटा करते थे। इसलिए मास्टर जी की जबान को, बोली को उन्होंने जबान का चाबुक कहा है। प्रश्न है, गांव के और शहर के दोनों जगह के जीवन में मोहन के जीवन के संघर्ष में क्या फर्क है? मोहन के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहा है। मैंने आपको अपनी जो डिटेल्स इस कहानी की बताई थी, उसमें शुरू में जब वो स्कूल जाता है तो उसका स्कूल बहुत दूर है, बारिश के पानी में उसे कई किलोमीटर तक भीगते हुए जाना पड़ता है। गांव के जीवन में उसने गरीबी, उसके पास कोई साधन नहीं है, प्राकृतिक बाधाएँ हैं और अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शहर में आकर भी उसके सामने बाधाएँ ख़त्म नहीं होती हैं। उससे दिन भर नौकरों की तरह काम करवाया जाता है और रमेश बाबू के घर वालों की सभी बातें उसे माननी पड़ती हैं, जबकि वह पढ़ाई के लिए स्कूल आता है लेकिन वह पढ़ नहीं पाता है। प्रश्न है, अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? मास्टर त्रिलोक सिंह एक परंपरागत टीचर हैं और वह बच्चों को मार पीट कर पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। सबसे बड़ी बात इस कहानी की यह है कि वह जबान के चाबुक के साथ साथ धनराम को संटी से भी पीटते हैं और यहाँ तक कि संटी भी उसी से मंगवाते हैं। वे धनराम पर तीनों तरीके आजमाते हैं, डांटना, पीटना और कटु वचन। मास्टर जी के मन में जातिगत ऊंच नीच की भावना गहरे से बैठी हुई है। वे मोहन को प्रेम करते हैं और धनराम का तिरस्कार अपमान करते हैं। क्यों? क्योंकि धनराम एक लोहार का बच्चा है और उसे हमेशा व्यंग्य भरी भाषा में कुछ भी कहते रहते हैं, और साथ ही वे मुफ्त में दरातियों पर भी धार उसी से लगवाते हैं और इस बात की उनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने सिखाने में उनकी कोई रुचि नहीं है, लेकिन उनका कर्म जो है अशोभनीय है। इस प्रकार से मैंने आपको गलता लोहा पाठ के प्रश्नोत्तर बताए। इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं आपको अपने आगे आने वाले वीडियोस में बताती रहूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या आपको वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा भी आपको किसी चैप्टर के प्रश्नोत्तर चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।